नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड हाई कोर्ट की एक शानदार वैकेंसी के बारे में। झारखंड हाई कोर्ट में जो है पर्सनल असिस्टेंट यानी पीए की वैकेंसी आ चुकी है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है फ्रेंड्स कि इसमें आपको कोई भी रिटेन एग्जाम नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सबसे पहले जो है आपको ये स्किल टेस्ट कंडक्ट करेंगे, उसके बाद जो है आपका वाइवा या इंटरव्यू जिसको बोलते हैं वो होगा और आपका मेरिट बन जाएगा। तो ये शानदार वैकेंसी है ना फ्रेंड्स। तो आइए जानते हैं इस भर्ती का फॉर्म कैसे आपको फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। सबसे पहले हम आपको जो है थोड़ा सा इस भर्ती की जानकारी बता देते हैं। देखिए, पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी है, हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची की वैकेंसी है और ये टेम्पोररी बेसिस पे है। लेकिन ये वैकेंसी फ्रेंड जो है हटाया नहीं जाएगा, आपको आगे कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे जो पदों की संख्या है वो यहाँ पे 42 रहने वाली है। महिलाओं के लिए यहाँ पे अलग से रिजर्वेशन है और कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है, आप एक बार देख सकते हैं। और जो विकलांग लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन जो है दिया गया है। 25 मई से आवेदन शुरू है, 24/6/2023 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका सैलरी रहेगा लेवल 7 का यानी 7th पीआरसी पे वैकेंसी है, यानी सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हैं लाजवाब और बहुत ही ज्यादा हाई सैलरी आपको मिलेगा। ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट किया हुआ है तो आप इस वैकेंसी के लिए इलिजिबल है, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बोला गया कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन, मतलब जो लास्ट डेट पे आप जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और साथ ही साथ पीए की वैकेंसी है तो शॉर्ट हैंड इसमें मांगता है, तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से और टाइपिंग भी आपको इंग्लिश में आनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से कंप्यूटर पे, तभी जो है आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाला, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आपको जो है बताया गया, उसमें सारी जानकारी बताई गई कि किस प्रकार से हम सिलेक्शन करेंगे। एग्जामिनेशन फी थोड़ा सा बताया, तो पहले 500 का एप्लीकेशन फी है अनरिजर्व BC1 और BC2 के लिए, और SC ST के लिए जो है 125 रुपए आपको एप्लीकेशन फी देना होगा फॉर्म भरते समय। यहाँ कुछ इंपोर्टेंट जानकारी बताई गई है, आप इसे भी एक बार जरूर पढ़ लेंगे। देखिए पेज नंबर 2 पे आपको लिखा गया था स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग टेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वुड बी टेकन फर्स्ट, मतलब पहले आपका जो स्टेनोग्राफी होगा और टाइपिंग टेस्ट यानी जो आपका स्किल टेस्ट जो है कंडक्ट होगा, और वही जो क्वालिफाई करेगा स्टेनोग्राफी और टाइपिंग टेस्ट में उनको जो है यहाँ पे अलाउ होगा अपियर होने के लिए पर्सनालिटी टेस्ट में या वाइवा वॉइस टेस्ट में। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं सबसे शानदार वैकेंसी है, बिना रिटन एग्जाम वाला जो है आपका वैकेंसी होने वाला है। और यह लिखा गया है कि मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड इन द स्टेनोग्राफी एंड पर्सनालिटी टेस्ट, यानी स्टेनोग्राफी और पर्सनालिटी टेस्ट में जो आपका मार्क्स है उसके बेस पे आपका यहाँ पे मेरिट जो है बनने वाला है। अब आइए जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए फ्रेंड्स मैंने आपको जो है एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, वहां क्लिक करके जो है आप स्टेटमेंट भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है, यहां से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लेंगे। यहां सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको बोलेगा कि कैप्चा कोड भरिए पहले, तो कैप्चा कोड आएगा, जैसे जैसे यहाँ पे कैप्चा दिख रहा है आपको यहाँ लिखना है और उसके बाद यहाँ डिक्लेयर करना है और न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आपको टाइटल चूज करना है MR MS MRS, तो MR आप सबको पता है, MS किसके लिए, सब आप लोग जानते हैं सब। उसके वजह से फर्स्ट नेम, यहाँ मिडिल नेम, यहाँ सर नेम, जो भी आपका नाम है, जैसे मान लीजिए आपका नाम दीपक है, दीपक कुमार, इस तरह से लास्ट में कुमार लीजिएगा, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भी लिख सकते हैं। जेंडर बताएंगे, मैरिड है कि अनमैरिड है, ये भी आपको अभी पूछा जा रहा है। नेशनलिटी इंडियन रहेगा, क्या आप झारखंड के निवासी हैं, तो हाँ करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप जो है अदर स्टेट के हैं तो फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं, लेकिन आपका कैटेगरी यहाँ पे जनरल आएगा, क्योंकि ये वैकेंसी जो है झारखंड राज्य की है, तो झारखंड राज्य के निवासी को ही यहाँ पे कैटेगरी चूज करने का ऑप्शन आएगा। अदर स्टेट वालों के लिए यहाँ पे अनरिजर्व आएगा, अगर झारखंड से है तो यस करेंगे, तो यहाँ देखिए कैटेगरी आपका आ जाएगा BC1 BC2 EWS, जो भी कैटेगरी आपका, और झारखंड के निवासी है तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर कब इशू करवाया था और कास्ट सर्टिफिकेट नंबर कब आपने इशू करवाया था कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपको बताना होगा। विकलांग है तो हाँ करेंगे और विकलांगता के बारे में बताएंगे, कितना परसेंट विकलांग है, नहीं तो नो कर देंगे। तो ये जानकारी आपको भरनी होगी झारखंड के निवासी के लिए, यहाँ पे अपना जाति और निवास लगाना होगा। प्लेस ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ है, अपने गाँव का या डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं।
कब आपका डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ से कैलेंडर ओपन होगा या आप मैनुअली लिख भी सकते हैं इस प्रकार से। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ लिखने का ऑप्शन आ रहा है, इसके वजह से डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। आपका एज कितना होगा इतने तारीख तक, आपका फादर नेम क्या है, या लेडीज है तो हस्बैंड नेम लिख सकती है, मदर्स नेम, आधार नंबर, दोबारा आधार नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, दोबारा ईमेल आईडी लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, दोबारा मोबाइल नंबर लिखना है, पासवर्ड बनाना है, दोबारा पासवर्ड को कंफर्म करना है, यहाँ डिक्लेयर करना है और रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। सबमिट करते ही फ्रेंड्स आपका जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है, आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है और यहाँ पे बोला जाता है कि आप इसे नोट कर लेंगे और बोला जाता है कि लॉग इन क्रेडेंशियल जो है आपके ईमेल आईडी पे भेज दिया गया है जिसमें आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड है। और बोला गया कि कभी कभी क्या होता है कि आपको नहीं मिलता है मेल में जो है इनबॉक्स में, तो आप क्या करेंगे जंक या स्पैम फोल्डर को चेक करेंगे। चलिए इसे हम नोट करते हैं लॉगिन नाउ पे क्लिक। लॉगिन नाउ पे क्लिक करते ही अब आपको अपना एप्लीकेशन नंबर लिखना है, पासवर्ड जो है जो बनाए थे वो पासवर्ड आप लिखेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही फ्रेंड्स अब आपको अपना जो है एड्रेस यहाँ फिल करना है, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है इस लाइन में अच्छे से लिख दीजिएगा पूरे अच्छे से, प्रॉपर विलेज, पोस्ट, थाना या शहर में रहते हो एड्रेस अच्छे से लिखेंगे। यहाँ सिटी अपना लिखेंगे, कौन सा सिटी से आप बिलोंग करते हैं, जो भी आपका सिटी यहाँ लिख देंगे, यहाँ डिस्ट्रिक्ट बता देंगे, यहाँ राज्य बता देंगे किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, तो जो भी राज्य है आपका यहाँ पे चूज कर लेना है। पिन कोड यहाँ लिख देना है। अब ये पूछ रहा है कि आपका जो है परमानेंट एड्रेस सेम है कॉरेस्पोंडेंस की तरह, तो इसको टिक करेंगे सेम कॉपी हो जाएगा, या परमानेंट एड्रेस अलग भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यहाँ 10वीं क्लास का जो है बोर्ड का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम, पासिंग ईयर, कितना मार्क्स आपको मिला था, कितना में, यहाँ ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा। आपका CGPA है या ग्रेड है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके आप यहाँ पे जो है क्या करेंगे लिखेंगे, तो मार्क्स ऑब्टेंड है और यहाँ पे टोटल मार्क्स आएगा, परसेंटेज आ जाएगा, आपको फर्स्ट है सेकेंड है या बता देना है। उसी तरह से 12वीं की जानकारी बतानी है, उसके वजह से जो है ग्रेजुएशन की जानकारी बतानी है, अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो उस क्वालिफिकेशन का नाम यहाँ लिख दीजिएगा और इंस्टीट्यूट का नाम, फिर पासिंग ईयर, इस तरह से आपको बता देना है। क्या आप गेम स्पोर्ट्स कोटा से आते हैं, तो अगर आते हैं तो हाँ करेंगे नहीं तो नो करेंगे। इसके से पूछ रहा है कि क्या आप अभी प्रेजेंटली कहीं जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं तो हाँ करिए और अपने जो है बता दीजिए डिपार्टमेंट और कौन से पोस्ट पे हैं, सिंस कब से हैं, नहीं है तो इसे नो करेंगे, हट जाएगा। इसको डिक्लेयर करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, अगले स्टेप में आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको देखिए फोटोग्राफ, सिग्नेचर जो है केवी में बताया गया 10 से 50 केवी के बीच होनी चाहिए, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है जो 100 से 200 केवी के बीच होनी चाहिए। यहाँ फोटोग्राफ अपलोड करनी है, हाल ही का कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है, सिग्नेचर, यहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगेगा। 10वीं क्लास का बोर्ड का सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का जो है सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। इसकी वजह से इसको डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पे आपको जो है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, अगले स्टेप में आपका जो है यहाँ पे पेज प्रीव्यू आएगा, सभी जानकारी को वेरीफाई करेंगे कि जो भी अपने जानकारी यहाँ पे अपलोड किया है या दिया है वो सब चीज सही है। आप नीचे मिलाते हुए आएंगे और उसके बाद से यहाँ पे आपको जो है मेक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अगर आपको प्रीवियस जाना कुछ भी गलती है तो आप बैक जाके सुधारेंगे, नहीं गलती है तो आप यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। और हाँ ध्यान रहे, अगर आपको वेबसाइट पे इस तरह से एरर देखने को मिलता है तो आप क्या करेंगे इसको कट करेंगे और शुरू से लॉग इन करके प्रोसेस करेंगे, आपको इस तरह से प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है इस वेबसाइट में। तो चलिए यहाँ करते हैं मेक पेमेंट पे क्लिक। जैसे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इस प्रकार से आपका जानकारी शो होता है, आपको करना है पे नाउ पे क्लिक, आपका जो है यहाँ पे पेमेंट क्रेडेंशियल खुलेगा, आपके पास जो भी कार्ड का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग है, कोई भी ऑप्शन के माध्यम से आप जो भी अमाउंट लग रहा है उसको पेमेंट जमा करेंगे। जैसे यहाँ देखिए कार्ड का है, नेट बैंकिंग, वॉलेट है, कई सारे ऑप्शन है और यहाँ पे आप जो है पे नाउ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे पेमेंट जमा करना होगा, उसके बाद से आपको फाइनल प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी रख लेना होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने आप बात किया कि झारखंड हाई कोर्ट में जो पीए की वैकेंसी निकाली है कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। फॉर्म भरने से पहले आप एक बार जो है एडवर्टाइजमेंट को, नोटिफिकेशन को एक बार जरूर पढ़ेंगे।